स्टूडेंट्स, मैं आपके एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ न्यूटन मेंडल क्लासेस में। आई होप आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा होगा और यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला हर टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आगे वाले टॉपिक समझे। देखो, अपने पास क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पहले से कि आज हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए जब हमारे पास चार्जेस का क्या हो, सिस्टम हो। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब है कि एक बार हमारे पास दो चार्ज हो, एक बार तीन चार्ज हो, एक बार फोर चार्ज हो, एक बार एन चार्जेस हो। मैं एक ही डेरिवेशन से आपको सारे डेरिवेशन करना सिखाऊंगी, तो ध्यान से समझना। ये टॉपिक ऐसे है कि जिसके न्यूमेरिकल भी आप कभी गलत नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक ही मतलब समझते हैं, क्या, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आया जा रहा है, उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आरएनएम को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, मतलब आप ऐसे याद रख लो कि भाई जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वहां में इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे चार्जेस है क्यों, पहले मानो, देखो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब है बहुत सारे चार्ज। हम पहले एक ही चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे कैसा चार्ज है, Q1। अब देखो मैं इस Q1 चार्ज को यहाँ पे लेके आई, ध्यान से समझना, Q1 चार्ज को A पॉइंट पे लेके आए। Q1 चार्ज को कहाँ ले आए, A पॉइंट पे। अब आपका काम है आप मुझे बताओ पोटेंशियल क्या होगा और वर्क डन क्या होगा, क्या क्या चीज, पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास और वर्क डन क्या होगा। देखो सबसे पहले पोटेंशियल का मतलब क्या है, भाई बताओ आप लोग दो लोग हो, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, एक तरीके से, एक तो आप अकेले काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं रहेगा भाई इस काम को मैं 10 घंटे में करूँ, 20 घंटे में, एक घंटे में, ये मेरे ऊपर है, मेरा काम है। एक हम कॉम्पिटिशन रखते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों में से जो पहले करेगा वो फर्स्ट आएगा, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो जाता है, कॉम्पिटिशन हो जाता है। जब ये चार्ज, अब सुन लो इस कॉम्पिटिशन को, यहां से चार्ज लेके आएगा इस पॉइंट पे, चार्ज को कहां पे लेके आया, ए पॉइंट पे लेके आया। जब इस चार्ज को लेके आएगा तो इसके आसपास कोई चार्ज नहीं, आप देखो क्या इसके आसपास कोई चार्ज है, नहीं है ना, इसका मतलब ये चार्ज अकेला है, इसे फर्क ही नहीं पड़ेगा कितनी देर में काम करो कुछ भी करो। तो इसका पोटेंशियल, ऐसी कंडीशन में हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस दौरान आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा हमारा, जीरो। और अगर पोटेंशियल जीरो है तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q, W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। इसका मतलब वर्क डन भी क्या आ गया, जीरो, वर्क डन भी क्या आ गया, जीरो। ये एक डेरिवेशन हो गया, कब, जब हमारे पास एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है। देखो आज जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उन सब में हम यही निकालेंगे कि इन्फिनिटी से जब चार्ज को लेके आया जाता है तो हमारे पास वर्क डन कितना होता है। सबसे पहले हम चार्ज किसको लेके आए, Q1 चार्ज को लेके आए। Q1 चार्ज को जब लेके आए तो हमें पता चला कि आसपास कोई चार्ज नहीं है, आसपास कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन कितना हो गया हमारा, जीरो। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे दो चार्ज रख देती हूँ। आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, टू सिस्टम ऑफ चार्ज, थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, हम एक में सारा समझते हैं। दो चार्ज रख दिए, पहले आप लेके आए Q1 को, ले आए, ठीक है। अब हम लेके आते हैं Q2 चार्ज को, ध्यान से देखना आप किस चार्ज को लेके आए, बी पॉइंट तक Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, R12। अब आप मुझे पोटेंशियल बताओ, ये पोटेंशियल था जब हम कितना चार्ज लेके आए थे, एक चार्ज, ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ, किसी को राइट डाउन करना तो राइट डाउन कर लेना। अब दूसरा चार्ज लेके आए तो बताओ पोटेंशियल बताओ। पोटेंशियल का मतलब है कि जब एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जो पोटेंशियल लगता है, यानी एक तरीके की एबिलिटी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ये हम दूसरा चार्ज लेके आए, दूसरे चार्ज के पास कौन है, पहला चार्ज। भाई अब तक तो ये एक अकेला आदमी था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था काम कितनी देर में करो, अब इसका एक कॉम्पिटिटर आ गया तो ये क्या करेगा, उससे ऊपर होना चाहेगा। दैट मीन्स ये जो Q2 चार्ज है ये किसके पास है, Q1 चार्ज के पास। Q2 पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, Q1। भाई इस Q2 को कौन आगे करेगा, भाई काम कर, इसका मतलब कौन करेगा उसको, Q1। Q2 पे पोटेंशियल लगाएगा Q1। तो फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ अपॉन R। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ। ध्यान से देखना कि पोटेंशियल कौन लगा रहा है, Q1, डिस्टेंस कितनी है, R12। देखो वेक्टर साइन लगा लेना, अभी आप समझो उसको ध्यान से। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला V2। अब बात आती है मैम क्यू कौन सा रखें, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं। जो चार्ज लेके आओगे उसकी वजह से क्या होगा वर्क डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 इंटू Q2। V2 की वैल्यू कितनी है, KQ1 अपॉन R12, और ये क्या हो गया हमारा Q2। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया, किसकी वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से। दोनों लॉजिक को समझो आप, सबसे पहले हमने क्या किया कि हम एक चार्ज
लेके आए, जब एक चार्ज लेके आए तो उसके आसपास दूसरा कोई भी चार्ज नहीं था, ऐसे में उसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। इसके बाद हम इसके पास दूसरा चार्ज लेके आए, दूसरे चार्ज को कौन चार्ज मिल गया, पहला मिल गया, पहला इसके ऊपर क्या लगाएगा, पोटेंशियल, मतलब दबाव क्रिएट करेगा, अभी तुझे मुझसे ऊपर होना है, ये क्या लगाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर के क्यू अपॉन में आर, कौन सा चार्ज पोटेंशियल लगा रहा है, क्यू वन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्यू वन। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, आर वन टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर वन टू। उसके बाद वर्क डन क्या होगा, वी इंटू क्यू टू, क्यू टू हमने क्यों रखा, क्योंकि हम कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, क्यू टू। अब आप खुद बताने की कोशिश करना, इन्फिनिटी से हम आपकी बार चार्ज ले आए क्यू थ्री, इन्फिनिटी पे आपकी बार हम कौन सा चार्ज ले आए, क्यू थ्री ले आए, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस हमने मानी आर टू थ्री, कौन से चार्ज से, दूसरे चार्ज से। पहले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी मानो, आर वन थ्री, ध्यान से देखना, थ्री चार्ज को लिखे हैं हम, लिखेंगे पोटेंशियल वी थ्री, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल वी थ्री। कोशिश करो आप देखो, एक तो हमारे पास एक आदमी था भैया, एक इसमें पोटेंशियल लगा रहा है, एक हमारे पास अब टू, मतलब अब तक तो क्या था, पहले तो अकेला था, अपनी मर्जी से चल रहा था, इसके पास दूसरा आ गया, स्पेस का दबाव हुआ, अब इसके पास एक के बजाय दो आ गए, अभी क्या करेगा, और प्रेशर क्रिएट होगा, ये और ज्यादा आगे बढ़ना चाहेगा, इसका मतलब इस वाले पे जो पोटेंशियल लगेगा वो इन दोनों की वजह से लगेगा, इस पे जो पोटेंशियल लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, इन दोनों की वजह से लगेगा। अब देखो हम क्या लिखेंगे, वी थ्री पे पोटेंशियल लगेगा पहले की वजह से, इस पे पोटेंशियल क्यू थ्री चार्ज पे पहले तो किसकी वजह से लगेगा, पहले की वजह से। पहले से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर वन थ्री, प्लस देखो ये पॉइंट समझने का, प्लस इस पे पोटेंशियल लगेगा किसकी वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, ये क्या हो जाएगा, के क्यू टू, और डिस्टेंस कितनी है, आर टू थ्री, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है लिख लो, के कॉमन ले लो, ये हमारे पास क्या गया, पोटेंशियल। अब हमें इसका निकालना है वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू थ्री वी थ्री, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, क्यू थ्री, इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू वन अपॉन में आर वन थ्री, प्लस के क्यू टू अपॉन में आर टू थ्री, मल्टीप्लाई बाई किससे हो गया, क्यू थ्री से, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री, प्लस के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर टू थ्री। आप इस के को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, के को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू थ्री, ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। देखो आज के टॉपिक में हमें क्या करना है, हमने कल बेसिक आइडिया पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्क का मतलब होता है जब इन्फिनिटी से, इस वर्ड पे जोर दे रही हूँ, इसे ध्यान से समझो, जब इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज लेके आया जा रहा है उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ में आया आप लोगों को, जब इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज लेके आ रही है उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है हमारे पास, हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर हुई बात, आज हमें डेरिवेशन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस, किसकी वजह से, सिस्टम की वजह से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक चार्ज लिया, यहाँ पे देखो कौन सा चार्ज लिया, क्यू वन, देखो डेरिवेशन अलग अलग भी कर सकते थे, एक में मिक्स करके समझाया। सबसे पहले हमने चार्ज क्या लिया, क्यू वन, क्यू वन चार्ज को जब इसके पास लेके आए, पहले अकेला आ गया, इसके आसपास कोई नहीं है तो इस पूरे घर का मालिक यही है, इसके लेके काम कैसे भी हो, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो। ये निठल्ला हो गया, भाई मैं तो अपनी मर्जी से काम कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। देखो आप अपने बारे में सोचो, हम लोगों को जो कोई प्रेशर नहीं होता, एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो हम लोग पढ़ते नहीं है, सबके साथ यही होता है, एग्जाम से एक मंथ पहले, 10 डेज पहले, 15 डेज पहले हम लोग प्रिपेयर होते हैं, यार एग्जाम है अभी, नोट्स दो, ये दो, ऐसे इस चार्ज के साथ है, ये चार्ज अपने घर में अकेला है, इसको कोई जरूरत नहीं किसी की, तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो, मतलब ये कोई काम नहीं करेगा, अकेला आया तो काम क्या हो गया, जीरो। इस अकेले के पास दूसरा चार्ज आ गया, ध्यान से सुनना, इस अकेले के पास क्या आ गया, दूसरा चार्ज। अब इस पे बेचारे पे प्रेशर होगा कि मेरे से ज्यादा काम कर गया तो इसको तारीफ मिल जाएगी, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, काम। इस पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये क्या करेगा, इस पे दबाव क्रिएट करेगा, उसको हमने क्या लिखा, के क्यू वन अपॉन आर वन टू, कौन से चार्ज को लेके आ रहे थे, क्यू टू। देखो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कहां पे वन लिखना है, कहां पे टू, जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल लग रहा है उसे देखो, Q2 लेके आया तो Q2 तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वर्क, पोटेंशियल कौन लगाएगा, इसके अलावा जो है कौन है, Q1, V2 बराबर क्या हो गया, KQ1 अपॉन में R12, ऐसे W2 बराबर क्या हो गया, V2 into Q2, और ये हमने क्या लिख दिया, वर्क डन। अब इन दो के पास तीसरा और आ गया इनके साथ रहने, तीसरा रहने गया, अब दोनों में फिर से हो गया भाई, दोनों को आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, इन दोनों ने क्या कर ली, फ्रेंडशिप, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन। इस Q3 चार्ज पे पोटेंशियल कौन लगा रहा है, Q1, इस Q3 चार्ज पे पोटेंशियल कौन लगा रहा है, Q2। फिर हमारे पास वर्क डन किसका निकालना है, Q3 का, ये हमने क्या निकाल दिया, इसका वर्क डन। ऐसे आप चाहो, चलो मैं एक और बता देती हूं आपको, ऐसे हम फोर्थ चार्ज का सोचते हैं, फोर्थ चार्ज क्या हो गया, Q4, इसकी डिस्टेंस मानो आप 3 से तो 3 4, 2 से मानो 2 4, और 1 से क्या मानोगे, 1 4। अब कोशिश करो खुद बताने की, देखो V4, खुद से ट्राई करो, V4 क्या निकलेगा, 4 पे पोटेंशियल 3 की वजह से, 2 की वजह से और 1 की वजह से, ठीक है।
वन की वजह से क्या हो गया क्यू वन अपॉन आर वन फोर, टू की वजह से क्या हो गया क्यू टू अपॉन आर टू फोर, थ्री की वजह से क्या हो जाएगा कोशिश करो आर थ्री फोर, और फोर की वजह से क्या हो जाएगा अपने पास देखो थ्री की वजह से हो गया थ्री फोर, हाँ ठीक है तीन ही तो चार्ज है, तीन चार्ज की वजह से क्या निकाल दिया हमने पोटेंशियल, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास V4 into Q4, इस सारी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दो Q4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है अब आपको क्या करना है, ठीक है मैम हमने 1 के लिए कर लिया, 2 के लिए कर लिया, 3 के लिए कर लिया, 4 के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब अगर हमें n सिस्टम के लिए करना है तो हम लोग क्या करें, देखो n सिस्टम के लिए आप क्या करोगे, यहां तक हमने लिख दिया, अब आप एक चीज नोट करो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं जब इसको Q4 निकालूंगी तो यहाँ क्या लिखूंगी Q4, यहाँ भी क्या लिखूंगी Q4, यहाँ भी क्या लिखूंगी Q4, अब ध्यान से समझना यहाँ पे क्या है Q1, Q3, यानी जब हम आगे कहीं निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3-1, यहाँ क्या है 2-3, आगे कहीं निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3-2, इसका मतलब एक टर्म कितनी बार रिपीट होगी दो बार, आप समझने की बात यहाँ पे है, यहाँ पे एक टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है दो बार रिपीट हो रही है, दो बार रिपीट होने का मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा उसे हम क्या कर देंगे टू से डिवाइड कर देंगे ताकि हम इस टर्म को क्या कर सके नेगलेक्ट, हमारे पास यहाँ पे हर एक टर्म कितनी बार डिवाइड सॉरी कितनी बार रिपीट हो रही है टू टाइम्स रिपीट हो रही है, उस टू को कैंसिल करने के लिए हम पूरे रिजल्ट को किससे डिवाइड करेंगे वन बाय टू से डिवाइड करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो इस पे न्यूमेरिकल भी सेम ऐसे आते हैं कि भाई चार्ज दे दिया चार्ज को लेके आया जा रहा है आप ही बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप लोग एक बार बोर्ड की तरफ ना ध्यान देके खुद से मेमोराइज करो और कोशिश करो कि आपको याद हो हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब है इन्फिनिटी से जब कोई पॉइंट चार्ज लाया जाता है उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्लियर हो गया, अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है अलग अलग सिस्टम के लिए, सबसे पहले वर्क आप एग्जांपल याद रखो एक आदमी आया इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है वर्क डन कितना हो गया जीरो, इसके पास दूसरा आया इसे पोटेंशियल पहले की वजह से लगेगा तो क्या लिखा हमने Q1, वर्क डन किसका निकालना है Q2 का, सेम थर्ड आया थर्ड पे फर्स्ट और सेकंड दोनों, फोर्थ आया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दोनों लगेंगे, ठीक है अब अपने पास क्या हो गया इसे एन सिस्टम के लिए हो गया तो हमें क्या मिला कि हमारी हर एक टर्म दो बार रिपीट हो रही है, हर एक टर्म क्या हो रही है दो बार रिपीट, देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हो यहाँ वन टू आएगा कहीं पे ऐसा होगा कि टू वन आएगा फिर हमारा टू थ्री आ रहा है हो सकता है जैसे यहीं की बात करें थ्री टू आएगा, लेकिन इसे एक टर्म क्या होगी दो दो बार रिपीट होगी, उस टू को नेग्लेक्ट करने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया वन बाई टू से डिवाइड किया और ये जो रिजल्ट आया ये हमारा किसकी वजह से आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आया सिस्टम ऑफ चार्जेस, आप अलग अलग लिख सकते हो एक बार वन चार्ज की वजह से एक बार टू चार्ज की वजह से एक बार थ्री चार्ज की वजह से एक बार फोर चार्ज की वजह से एंड सो ऑन अप टू कहां तक एंड चार्जेस की वजह से लास्ट में कंप्लीट रिजल्ट को आप किससे डिवाइड कर दो वन बाई टू से डिवाइड कर दो, रीजन क्या है हमारे पास क्योंकि हर एक टर्म कितनी बार रिपीट होगी हमारी दो बार रिपीट होगी और ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे कि आप समझो कि हमारे पास एक मिनट रुकना देखो ये हमारे पास क्या है रेजिस्टर, ठीक है हमें क्या निकालना है एरिया वेक्टर निकालना है, अब इस पे परपेंडिकुलर डालने के यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के इस पे कौन सी कंडीशन है परपेंडिकुलर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो जो वर्ड बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका नाम क्या है एरिया वेक्टर यानी एरिया है हमारे पास ये रेजिस्टर का क्या है एरिया है, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे भी आ सकता है और परपेंडिकुलर ऐसे भी आ सकता है, देखो हम जो जनरली बुक में लेते हैं वो क्या करते हैं परपेंडिकुलर हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि जो हमारा नेगेटिव साइन है ना उसको नेग्लेक्ट किया जा सके, मतलब सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो एरिया वेक्टर में आप क्या याद रखोगे कि हमारे पास क्या हो गया एरिया वेक्टर, देखो ये यूज आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास पूरी फर्स्ट यूनिट का गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन वहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज आएगा, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो एरिया वेक्टर है उसमें नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है बाहर की तरफ, नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी बाहर की तरफ का मतलब क्या है रजिस्टर लिया था ना आउटवर्ड होगी, हम डाउनवर्ड सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ताकि हमें नेगेटिव साइन को क्या कर सके नेग्लेक्ट कर सके, ठीक है एरिया वेक्टर को हम आप क्या लिख सकते हैं डीएस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एन कैप डीएस, डीएस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एन कैप डीएस, अब मुझे जल्दी से बता दो एन कैप का मतलब क्या होता है, कैप का मतलब देखो एन कैप हमारे पास होता है हमने 11th क्लास में पढ़ा था एन कैप हमारे पास क्या होता है यूनिट वेक्टर, आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, दैट मींस अगर r यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा r डायरेक्शन अपॉन में r मैग्नीट्यूड, ठीक है अभी के लिए इसको इतना याद रखो, हमने क्या पढ़ा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब हो गया हमारे पास कोई भी सरफेस है उस सरफेस पे हमें ये पॉइंट याद रखना है नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी आउटवर्ड, ये आगे यूज आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके एप्लीकेशन में, तो आप याद रखें नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी आउटवर्ड होगी, ठीक है इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
क्या आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इसको ध्यान से समझना, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी कल से नहीं, मैं आपको बताऊंगी ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सरफेस है, हमारे पास क्या कोई भी सरफेस है, जैसे अभी मैंने रेजिस्टर लिया था, ये क्या हमारे पास कोई भी सरफेस है, इस सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक बार सरफेस ऐसे रखा है, ध्यान से समझना, ये सरफेस ऐसे रखा है, इस सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं फ्लक्स। सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यानी किसी ना किसी एंगल पे इसको रोटेट कर दिया, इस दौरान भी लाइन्स तो पास होंगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इसे को थोड़ा सा किसी एंगल पे रोटेट कर दें, हम क्या करें किसी एंगल पे रोटेट करें, तो हमारे पास फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। इसको क्या पढ़ते हैं फाई से, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं फाई से। फाई बराबर होता है, ये किसका निशान है, देखो ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, और इसके ऊपर ये लग जाए सर्कल लग जाए तो क्या हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। फाई क्या हो गया ई डॉट डी एस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए सरफेस, ये हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यहाँ पे डॉट को हटा के हम क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, कॉस थीटा, डॉट को हटा के क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा ईडीएस, और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा जीरो। फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आज के लिए आपको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा, वहां पे उसका रिवीजन हो गया था, एक बार फटाफट से इसका रिव्यू ले लेते हैं। एरिया वेक्टर का मतलब क्या हो गया, कोई भी सरफेस पे परपेंडिकुलर हमेशा किधर डलेगा आउटवर्ड। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी भी सरफेस में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं फाई से, ये हमारा क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए सरफेस। डॉट को हटा के हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, सीबीएसई बोर्ड, एचबीएससी बोर्ड, मतलब हर बोर्ड में वहां से एक क्वेश्चन 100% है गॉस थ्योरम भी और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन भी। और आप राखी आने वाली है तो आपका 4 and 5 days ऑफ रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि 5 को हम लोग वीडियोस ला सकें, पर अगर बाई चांस 5 को वीडियो नहीं आती तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 6 तारीख को। इतने आप लोग इस वीडियो को मतलब सभी लेक्चर्स को रिवाइज करें, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करें। थैंक यू।